साक्षी चैन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ ताजा खबरों पर। कंजर समाज के समाजजनों द्वारा कुलदेवी की पूजा की गई। कंजर समाज के लोग भारतवर्ष के किसी भी कोने में क्यों ना हो, सप्तमी को एकत्रित होकर माता की पूजन जरूर करते हैं। कंजर समाज के लोग मुख्य द्वारा धारा से जुड़े हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात सहित पूरे भारतवर्ष में रस्सी बनाने, बर्तन, कटलरी, सामान व अन्य कई तरह के काम करते हैं, परंतु 2 साल में एक बार अपने सारे काम छोड़कर सप्तमी पर कुलदेवी की पूजा करने अजंड जरूर आते हैं। वहीं भजन गाकर, झंडा गाड़कर माँ की स्थापना आराधना का संकल्प लिया जाता है। इस दौरान आराधना करने वालों पर कोड़े मारकर परीक्षा ली जाती है एवं नवमी पर बड़ी संख्या में एकत्र होकर माता के जवारे ठंडे किए जाते हैं। सामाजिक समरसता के संकल्प को लेकर एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा व खुशहाली के लिए जागृतम सेवा संस्थान परिवार के साथ समस्त ग्रामवासियों द्वारा देवी श्री लालबाई फूलबाई माताजी को चढ़ाई गई 251 मीटर लंबी चुनरी। माता जी की चुनरी यात्रा में भक्तों का जनसैलाब देखने को मिला। साथ ही चुनरी यात्रा श्री राम मंदिर से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए मुख्य मार्गों से होते हुए मंदिर परिसर पहुंची। इसके साथ ही यात्रा का जगह जगह भक्तों द्वारा स्वागत किया गया। जागृतम सेवा संस्थान द्वारा पिछले 4 वर्षों से निकाली जा रही ऐतिहासिक चुनरी यात्रा मातृशक्ति के साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित रहे। इसके साथ ही नारायण अग्रवाल मित्र मंडल द्वारा 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। सेगांव से संतोष गोयल की रिपोर्ट। प्रदेश में इस बार हुई भारी बारिश ने सड़कों की पोल खोल दी है। खराब सड़कों को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने माना कि सड़कें बहुत खराब हैं, लेकिन उन्होंने इन खराब सड़कों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदार ठहराया है। इंदौर में मंत्री वर्मा ने पूर्व सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि हमारा भाई शिवराज सिंह समझने को तैयार नहीं है, इतनी घटिया सड़क बनवाते हुए उन्हें शर्म नहीं आई। हमारी सरकार आए अभी 8 महीने हुए हैं, जबकि सड़कें भाजपा के कार्यकाल में बनी हैं। मंत्री वर्मा ने इस दौरान कई घोटालों का भी जिक्र किया। शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पेंशन घोटाला, व्यापम घोटाला, ऐसे कई घोटाले भाजपा वालों ने किए हैं, पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार की आग में झोंक दिया है। साथ ही पेंशन घोटाले पर मंत्री जी ने कहा कि मैंने मुख्य सचिव को कहा है कि अगली विधानसभा के पटल पर पेंशन घोटाले की जांच होनी चाहिए, ताकि जिनकी पेंशन रुकी है या जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है उनका पैसा उन्हें मिल सके। सिंहस्थ का जिक्र करते हुए मंत्री वर्मा का कहना है कि चाहे कैलाश विजयवर्गीय घोटाले की फाइलें गायब करवा दे, लेकिन यहाँ भी डॉक्टर सज्जन वर्मा बैठे हैं, हमने सारी फाइलें निकाल ली हैं। इंदौर जिला कोर्ट के भवन को लेकर चल रहे विवाद पर वर्मा का कहना है कि तालाब की हत्या करके कोर्ट का भवन बनाना गलत है, ऐसा करने वालों को हत्या की सजा मिलनी चाहिए। बहुत खराब हो गई सड़कों की हालत और शिवराज भाई ये समझ ही नहीं पा रहा हमारा। अरे भैया, तेरे जमाने की बनी हुई सड़कें 7-8 महीने हुए, हमारी सरकार आए इतनी घटिया सड़कें बनवाते हुए, शर्म नहीं आई शिवराज चौहान को? हमारी सरकार तो 8 महीने हुए, सड़कें तो तुम्हारे राज में बनी, प्यारे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया पूरे प्रदेश को, भ्रष्टाचार की आग में झोंक दिया तुम लोगों ने। व्यापम घोटाला, पेंशन घोटाला, जने काय काय के घोटाले किए। मेरी टीम लग गई है, आप चले जाइए, सबसे ज़्यादा बारिश मंदसौर निमज में हुई है। युद्ध स्तर पर सड़कें बन रही हैं कि नहीं आप जाके देख लो, यहाँ भी 1-2 दिन में इतने युद्ध स्तर पर काम होगा कि आप खुद देखोगे आश्चर्यचकित की बात। नहीं, पेंशन घोटाला बहुत जल्दी पटल पर आ रहा है, मैंने इस बात को कल भी मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी से कहा, मैं नहीं जानता, मैंने कि अगली विधानसभा की पटल पे पेंशन घोटाले की रिपोर्ट आना चाहिए, बिल्कुल तैयारी है, कोई आदमी बचेगा नहीं। सतीश शर्मा की रिपोर्ट।
कमलनाथ सरकार के उच्च शिक्षा व खेल मंत्री जीतू पटवारी द्वारा पटवारियों पर खुले मंच से रिश्वत के आरोप के मामले में लोक निर्माण मंत्री ने जीतू पटवारी को नसीहत दे डाली है। वर्मा का कहना है कि एक बार और माफी मांग लो। कमलनाथ सरकार आने के बाद कैबिनेट के नए मंत्री नित नए बयान जारी कर रहे हैं। बीते दिनों इंदौर के राव विधानसभा में वहीं के विधायक और प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी द्वारा पटवारियों को रिश्वतखोर बताए जाने के बाद उन्हें अपनी वाणी के लिए खेद व्यक्त करना पड़ा था, जिसके बाद कुछ हद तक प्रदेश के पटवारियों ने विरोध में शुरू की हड़ताल को विराम दिया था। किंतु पटवारी संघ द्वारा एक वीडियो जारी करने के बाद मामले ने फिर तूल पकड़ लिया है। पटवारी संघ का कहना है कि हमारी हड़ताल बंद नहीं हुई है, वहीं उन्होंने किसानों की भूमि का सर्वे रोक दिया है और साथ ही हड़ताल में अपनी कई मांगे जोड़ दी हैं। मामले में तेजी देख मंत्री जीतू पटवारी ने भी एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने मीडिया को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मेरी हर बात को कुछ मीडिया द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इन दो वीडियो के जारी होने के बाद रविवार शाम होते प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने जीतू पटवारी को नसीहत दे डाली। वर्मा का कहना है कि एक बार और माफी मांग लो। मंत्री वर्मा ने इस दौरान किसानों की ओर हड़ताल रत पटवारियों के लिए भी चिंता जाहिर की है। इस विषय पर कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मर्यादा है, गरिमा का पालन मुझे करना पड़ेगा। मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। कई बयानों से हमें हानि हुई है, कई पिछले वर्षों में बड़ी हानि उठाई, पिछले वर्षों की मैं बात कहना चाहता हूँ। पटवारी हमारे भाई हैं, पटवारियों के कंधों पर इतनी जबरदस्त जवाबदारी होती है। आज किसान पीड़ित है, उसका सर्वे उसके खेतों का होना चाहिए। मैं पटवारी भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि वो भी पटवारी है, तुम भी पटवारी हो भाई, छोड़ दो वो बड़ा पटवारी हो गया तुम, लेकिन उस किसान की पीड़ा को तो समझो, जिसका खेत नष्ट हो गया, जिसके आंसू रुक नहीं रहे। अरे दो दिन के लिए लौट आओ, उनके सर्वे करके सरकार को रिपोर्ट दे जाओ, ताकि जब भी तुम मुसीबत में हो तो वो किसान आपके साथ कंधा मिला के उठ के खड़ा होगा, हम जैसे लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जीतू पटवारी जवान फसल गई, कोई बड़ी भारी बात नहीं। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। ट्रक व टैंकरों की हड़ताल के बाद इंदौर शहर की स्थिति चरमरा गई है। रविवार शाम होते ही शहर के लगभग सारे पेट्रोल पंप अचानक बंद हो गए, जिसके चलते हर कोई पेट्रोल डीजल को लेकर परेशान होता दिखाई दिया। डीजल पर टैक्स वृद्धि, पुराने वाहनों पर आजीवन टैक्स लेने के आदेश वापस लेने सहित विभिन्न मांगों को लेकर इंदौर में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा हड़ताल की जा रही है, जिसके तहत टैंकर और ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाहनों के चक्के थम गए हैं। हड़ताल के दो दिन बीतने के बाद शहर में आमजन में परेशानियां साफ तौर पर सामने आ रही हैं। रविवार शाम को शहर की स्थिति उस वक्त चरमरा गई जब कई पेट्रोल पंप अचानक बंद कर दिए गए। देर रात तक लोग पेट्रोल डीजल के लिए भटकते नजर आए। वहीं पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें व भारी जन हुजूम देखा गया। हालांकि सोमवार सुबह शहर के कुछ पेट्रोल पंप खुल गए, जहां कर्मचारियों का कहना है कि जब तक माल स्टॉक में रहेगा तब तक पेट्रोल ग्राहकों को देते रहेंगे। सर, अभी हमने सुबह 7 बजे से जब तक हमारे पास स्टॉक है, जब तक हम डालेंगे, स्टॉक खत्म होने के बाद में अब जब माल आएगा जब तक। आपका नाम बताएं। कैलाश साहू। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए खबर हिंग्रे के साथ।